मैं तरुण कुमार फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ एनसीईआरटी मैथ्स 5.5 के नए टॉपिक जिसे बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कोई भी फंक्शन लॉग लेकर के किसी भी फंक्शन में किस तरह से हम लॉग अप्लाई करेंगे, किस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और ये सब कुछ हम देखेंगे इस क्लास में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन हो, बेसिकली जब मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ था नॉर्मली तो हम लोग क्या करते थे कि उसका डेरिवेटिव निकालते थे एक फंक्शन y = f(x)। लेकिन यहां पे क्या है, एक आपको फंक्शन दिया होगा जो एक फंक्शन के एक्सपोनेंट में जब एक कोई दूसरा फंक्शन आता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स। तो चलते हैं, बात करता हूं मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट कुछ ये है, ऐसे कोई फंक्शन है f(x) जिसे जनरली हम लोग y भी बोलते हैं, ठीक है, और ये एक फंक्शन है, मैं मानता हूं ux, ux एक फंक्शन है और इसके एक्सपोनेंट में भी x कोई एक दूसरा फंक्शन है। तो अब एक फंक्शन y जिसे u ऑफ x और उसके एक्सपोनेंट में मतलब पावर में u ऑफ x है, तो इसे कैसे, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो इसी टॉपिक को लेकर के यह क्लास है जिसमें कि हम देखते हैं क्या क्योंकि 5.5 के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में लॉगरिथमिक डेरिवेशन ही करना है, हमें डेरिवेटिव भी निकालना है, इसमें मुझे चेन रूल लगाना है, यू वी रूल भी लगाना होगा, यू बाय वी रूल भी लगाना होगा, साथ ही साथ हमें लॉगरिथमिक डेरिवेटिव के लिए कॉन्सेप्ट को भी जानना होगा। तो अब बात यह आती है इसे डिफरेंशिएट करें कैसे, क्योंकि एक फंक्शन वो एक्सपोनेंट में है, यदि ये नीचे होता तो आसान होता क्योंकि हम उसे यू ही रूल लगाते हैं और सॉल्व कर देते हैं, लेकिन कोई फंक्शन के ऊपर में अगर फंक्शन एक्सपोनेंट में है तो इसे डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे जो आसान तरीका है हम यहाँ लॉग अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या, एक हमारे पास बेसिक्स फॉर्मूले है, बेसिक्स फॉर्मूले लॉग का जो आपको पता होगा, यदि कोई फंक्शन है आपके पास y = p रेस्ट टू द पावर n और मैं चाहता हूं कि ये चीज ये n जो है वो कहां जाए, नीचे आए, तो मैं क्या करूंगा लॉग बोथ साइड लूंगा, लॉग जैसे ही p लूंगा और जैसे यहां भी लॉग अप्लाई करता हूं तो सेम तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लॉग p और जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं आगे आ जाते हैं। तो यही है कॉन्सेप्ट लॉगरिथमिक का, एक फॉर्मूला जो मैंने पहले भी बता रखा है इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज करेंगे। इस फंक्शन को जब नीचे लाना है तो मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, राइट, ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में जब भी फंक्शन को यही करना है तो मैं यहाँ लॉग अप्लाई करता हूँ, लॉग वाई इक्वल टू, मैं इधर भी लॉग अप्लाई करूँ, जैसे ही लॉग अप्लाई करूंगा ये dx का मतलब जो एक्सपोनेंट है वो नीचे आ जाएंगे और log u of x इस तरह से फंक्शन बनेगा। अब इसे डिफरेंशिएशन करना, इसका डेरिवेटिव निकालना आसान है। आसान कैसे है, अब मैं इसे बोलूंगा वी आर गोइंग टू टेक डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे ही इसका x का निकालेंगे तो आप ऐसे मैं लिख के आपको ये चीज बता रहा हूं कि y में फंक्शन है तो मुझे dy के साथ डेरिवेटिव करना होगा, लेकिन मुझे x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो मैं यहां चेन रूल लगाऊंगा और dy/dx लिखूंगा इक्वल टू, अब यहां पर u भी रूल लगाना ही होगा मुझे क्योंकि ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, इसका मतलब इसे मैं डेरिवेटिव निकालता हूं, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालता हूं dvx/dx इनटू द फर्स्ट का मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो सेकंड को मैं एज इट इज कांस्टेंट रखूंगा, इसमें कोई चेंज और कोई डेरिवेटिव इसका नहीं निकालना होगा, प्लस अब मैं फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रखूंगा, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रखूंगा और सेकंड टर्म को क्या करूंगा मैं डेरिवेटिव्स निकालूंगा जैसे कि u/dx। तो ये कांसेप्ट है, यहां से हम क्या करेंगे इसी कांसेप्ट, अब क्या है हमारे पास जैसा भी क्वेश्चन होगा मैं यहां पर क्या करूंगा डेरिवेटिव्स निकालूंगा, यहां पर डेरिवेटिव्स निकाल के और इसका डेरिवेटिव का जो भी फंक्शन होगा डेरिवेटिव निकालना जो सेकंड टर्म में कांस्टेंट फर्स्ट को छोड़ के सेकंड टर्म पर मैं उसे एज एन आंसर ले
लिख लूंगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह के इस चैप्टर में हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइव स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन 5.5 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर वन क्या है। क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरह से है, आपका क्वेश्चन नंबर वन वो है कॉस, हमें से लिख सकते हैं इसे y equal to cos x into cos 2x plus cos 3x, ये क्वेश्चन है आपके। और इस क्वेश्चन को हमने क्या इसका डेरिवेटिव निकाला, तो आप देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों फंक्शन त्रिकोणमिति है और वो मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसे सिंपल डेरिवेटिव्स करने नहीं निकाल सकता सिंपली। तो इसे मैं क्या करूँगा, इसमें मैं लॉग अप्लाई करता हूँ, तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन, मैं लिखूंगा taking log both side, जैसे मैं log both side करूंगा तो log y, okay? Then यहाँ पे log जैसे ही apply करेंगे log cos x into cos 2x into cos 3x, तो ये देखिए अब जैसे कि ये multiplication में है, जैसे ही log apply करते हैं तो ये break down हो जाता है, मतलब multiplication addition में चले जाता है, यही खासियत है, यही log के देखो जी मल्टीप्लिकेशन में है, उसमें मैं log अप्लाई करता हूं तो उसके जो फंक्शन है उसके जो कंपोनेंट्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एडिशन के साथ। तो इसी कांसेप्ट का यहां पर हम यूज करते हैं और इस एडिशन आने के कारण हमारा डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चलते हैं देख लेते हैं क्या है इसके आगे, जैसे ही log पर आप इसे सिंपली cos x प्लस ये मल्टीप्लिकेशन था प्लस सूचित हो गया, ये log इस पे फिर से जाएगा log cos 2x plus log cos 3x, ठीक है। अब देखिए अब इसे डेरिवेटिव निकालना आसान है, मैं क्या करता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस पे मैं डेरिवेटिव निकालता हूं इसकी, क्या लिखता हूं देखिए आप इसको मैं log y, आप एक चीज को हमेशा याद रख लीजिए फिर log y का डेरिवेटिव, क्योंकि मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा इसे मैं आपको एक बार बताता हूं फिर से, y के साथ फंक्शन का y से डेरिवेटिव किया चेन रूल लगा दिया मैंने, क्या आ गया dy by dx, तो log y का 1 by y into और dy by dx, तो ये log y का हमेशा log y का डेरिवेटिव हमारा क्या होगा 1 by dy by dx, तो ये चीज मैं यहां डायरेक्ट लिख दूंगा, हमेशा ऐसे बार-बार डेरिवेटिव नहीं करेंगे, तो मुझे पता चल चुका है कि log y का 1 by dy by dx होगा, तो मैं यहां लिखता हूं डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx equal to log x के डिफरेंशिएशन, आपको पता होगा log x 1 by x, log y 1 by y, log cos x log 1 by cos x, ये क्या है इसका मतलब 1 by cos x, क्योंकि log के साथ जो भी होगा वो कहां होगा डिवीजन में आता है into, अब चेन रूल के अनुसार ये log में था x में तो x के साथ cos में तो cos के साथ हुआ है, इसको मैं फिर से क्या करूंगा इसको फिर से मैं चेन रूल लगाऊंगा तो क्या होगा ये माइनस sin x, ठीक है प्लस, अब यहां पर फिर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो log के साथ जो भी होगा वो क्या होगा डिवीजन में आ जाएगा बटे में आ जाएगा cos 2x, अब इस cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x और अब ये sin 2x फिर से 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है प्लस सिमिलरली log cos 3x का तो 1 by cos 3x, इस cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x और इस 3x का डिफरेंशिएशन 3, अब हमारा हो चुका है काम, तो यहां मैं लिख सकता हूं dy by dx, ओके अब दीदी ये क्या है ये डिवीजन उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन सबके साथ, इसी में ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया sin by cos तो माइनस माइनस में 10x sin by cos 10 sin by cos 2 theta है इसलिए माइनस 10 2 theta 2x फिर से माइनस ये माइनस ये टू भी ध्यान रखना ये sin by cos तो 10 हो गया और ये 2 आगे है आगे sin by cos माइनस 2 10 3x और ये 3 आगे आएगा और इस तरह से ये डेरिवेटिव हमारे हैं और इस y का वैल्यू मैं क्या करूंगा यहां पर पुट कर लूंगा जो भी हम मैंने y
हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, इधर का वर्ग उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू क्या होगा, यही वैल्यू होगा जो हमारा 50 क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहां लिख पाऊं क्या इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x ओके ना माइनस 10x माइनस 210 2x माइनस 310 3x। तो ये है हमारे डेरिवेटिव्स क्वेश्चन नंबर 1 के। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा यहां पे मैंने क्या किया, चेन रूल लगाया है, चेन रूल। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन है, मैंने लॉग लिया, लॉग अप्लाई किया, जैसे ही लॉग अप्लाई किया ये एडिशन में चेंज हो गया। अब मैं इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन log / 1 / / dx। अब इसका जो मैं log log जब लिखूंगा, जब मैं इसका log लिखूंगा क्या कौन d log cos x / ठीक है। मैं यहां पर आपको ये चीज बताता हूं, साइड देखिए डिफरेंशिएशन log cos x, तो मैं log के साथ जो भी होता है डिफरेंशिएशन उसी के साथ कर रहे हैं cos x, और इस cos x का फिर से मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा ds के साथ। ये क्या लगा देखिए, तो 1 / cos x into ये क्या होगा माइनस sin x, और sin / क्या होगा sin / cos / माइनस 10। तो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि मैंने यहां डायरेक्ट लिखा है, मैंने ये मैं इसका डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 / cos, और इस cos का फिर से मैं डिफरेंशिएट करता माइनस sin। तो हमेशा मैं ये स्टेप बार-बार नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा 1 / cos, और उस cos का मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। तो 1 / 1 log cos x का 1 / cos x, cos x का माइनस sin x, अगेन cos 2x का 1 / cos 2x, cos 2x का फिर से डिफरेंशिएट माइनस sin 2x, और इस sin इस 2x का फिर से, जब तक dx नहीं आता है नीचे तब तक हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो 2 लिखा, फिर से log cos 3x 1 / cos 3x, और इस cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x, और इस 3x का 3। बस मैंने सबको अरेंज कर दिया, हमारा फाइनल ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है y = root under x - 1 x - 2 / x - 3 x - 4 and x - 5। अब इसे मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये देखिए वो रूट अंडर में है, डिवीजन में है। मैं सबसे आसान तरीके से कर सकता हूं कि मैं लॉग लेता हूं, मैं लॉग अप्लाई करूं। जैसे ही मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो लॉग लेते ही ये चीज जो पावर पे है, ये रूट है, तब तक होल पावर 1/2, और 1/2 वो आगे आ जाएगा तो बचेगा हमारे पास x - 1 x - 1 into x - 2 by x minus 3 x minus 4 x minus 5। अब फिर से मैं इसे लिखता हूं अरेंज करके 1/2। अब यहां देखने वाली बात ये है, इससे के डिवीजन में है, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लिकेशन वाले को एडिशन में चेंज करूंगा और डिवीजन वाले को सब्सट्रैक्शन में चेंज करूंगा। तो मैं इसे फिर लिखता हूं, पहले मैं लिख देता हूं तो x minus 1 into x minus 2 ये डिवीजन, तो माइनस log, क्योंकि log p by q equal to log p minus log q ये होता है, ठीक है, और log p q equal to log p plus log q ये। तो इस चीज को मुझे ध्यान में रखना है बस। तो ये मल्टी ये डिवीजन में था तो मैं इसकी क्या डिवीजन में था तो यहाँ माइनस लगाऊंगा और ये नीचे वाले पार्ट में होगा x minus 3 x minus 4 x minus 5, ठीक है। अब log y 1 / 2, अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो इसमें एडिशन में चेंज होगा, log x minus 1 plus log x minus 2 minus, अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन में जाएगा लेकिन ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सबको माइनस करेगा, तो log ये पहले एडिशन में चेंज होगा उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई होने
माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये पूरा उत्तर मैं इसे ब्रेक डाउन कर चुका हूं। अब सिंपली मुझे क्या करना है, अब डेरिवेटिव्स निकालनी है इसकी। डेरिवेटिव्स निकालता हूं, मैंने पहले बोल रखा है लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx equal to 1 by 2। लॉग के साथ जो भी होगा वो क्या होगा, डिवीजन में आएगा, मतलब बटे में आएगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0, आप वो लिखिए चाहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस सी लॉग 1 by x माइनस 2 और इसका डिफरेंशिएशन 1 और ये 0 तो 1 माइनस अब 1 by 1 by x माइनस 3 इनटू 1 माइनस 1 by x माइनस 4 इनटू 1, 1 लिखिए चाहे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 1 by x माइनस 5 इनटू 1। बस सिंपली आप मुझे क्या करना है, इसे अरेंज करना है dy by dx, ये चीज डिवीजन में है, भागा में है, बटे में है, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मतलब गुणे में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, क्या लगा देखिए y by 2 इनटू सिंपल 1 by x minus 1 plus 1 by x minus 2 minus 1 by x minus 3 minus 1 by x minus 4 minus 1 by x minus 5। तो ये है हमारा, और y का वैल्यू एज इट इज जो हमारा क्वेश्चन होता है वहां पर हम y का वैल्यू रखते हैं। तो y का वैल्यू आप रख दीजिए यहां पर रूट अंडर x minus 1 x minus 2 इन बटे x minus 3 into x minus 4 into x minus 5, okay, into ये y by 2, y by whole by 2, ये by 2 है, तो मैं यहाँ पे यही लिखता हूँ 1 by 2 into y, y लिख दिया, और bracket में ये सारे, बस arrangement है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, मैंने differentiation कर लिया बहुत आसान तरीके से, तो इस तरह से मैं इसे x minus 5 दूंगा और हमारा ये डिफरेंशिएशन है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके है लॉग एक्स होल पावर एक्स वाई इक्वल टू, इसे डिफरेंशिएट करना है तो मैं लॉग अप्लाई करूंगा, जैसे ही लॉग अप्लाई करूंगा जो एक्सपोनेंट में है वो नीचे आ जाएगा, एक बार लॉग और ये लॉग पे लॉग, क्योंकि लॉग अप्लाई करने में ये कोई इसके आगे लॉग आया उसके बाद वो आगे आएगा, तो लॉग और ये लॉग एक बार फिर, ठीक है। यदि किसी को नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, मैं फिर से यहाँ बताता हूँ, मैंने लॉग अप्लाई किया, मैं आपको दिखाई देता हूँ लॉग अप्लाई किया, उसके बाद इस लॉग एक्स को इस तरह से लिखाना, कुछ नहीं लॉग अप्लाई किया पूरे सिस्टम पे मैंने लॉग लगाया और इधर भी लॉग, अब क्या क्या ये पावर जैसे ही आ गया कॉस और ये लॉग लॉग एक्स, ठीक है। अब करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करते हैं 1 by y फिर log by का 1 by y dy by dx into ये टर्म फर्स्ट यू भी लगेगा इसमें, तो ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इनटू कांस्टेंट से रख देंगे हम log log x, ओके प्लस अब इसे cos x को मैं कांस्टेंट छोड़ूंगा, इसका डिफरेंशिएशन log के साथ जो भी है, log के साथ जो भी है वो कहां आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा और इस log x का फिर से एक बार 1 by x। अब dy by dx equal to इस y को पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो y into minus आप लिख सकते हैं sin x into log x plus 1 by x into 1 by log x into cos x, ये आपका डेरिवेटिव है, y का जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे लिख देंगे। मैथमेटिक्स में बेसिकली होता क्या है कि हम पॉजिटिव टर्म को कोशिश करते हैं कि पहले लिखें, ठीक है, इसीलिए मैं इसको पहले लिखा हूँ, उससे पहले मैं क्या करूँगा वाई का वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पर log x raised to the power 4 power cos x,
एक्स, ये वाई हमारा इनटू इस पॉजिटिव को, पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं माइनस ये साइन एक्स, तो साइन एक्स इनटू लॉग लॉग एक्स। ओके, ये आपका डिफरेंशिएशन है क्वेश्चन नंबर थर्ड के 5.5।